किसी जाति धर्म की 25 सीट अगर ये होने लग गया है तो उन परिवार में फ्रिक्शन कैसे होगी। तो मैं अभी चाहता हूँ फास्ट ट्रेटिव मुकदमा चले। मैं ज्वाइंट कमिश्नर यहाँ है, मैंने उनको बुलाया, मैं उनसे बात करूंगा, किन ऑफेंस में उन्होंने मुकदमा दर्ज किया है और अगर उन्होंने सही ऑफेंस नहीं लगाए तो उनको लगवाएंगे और जो ऑफेंस लगे उनके अनुरूप हमारे लीगल की टीम यहाँ सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, दिल्ली जो कोर्ट है उसमें सारे मामले को हमारी टीम लड़ेगी अपने खर्चे पे। हम किस परिवार के साथ खड़े हैं क्योंकि मैं ये मेरा मैं इसको कमजोर नहीं पड़ा। दिल्ली के मुख्यमंत्री बताएं कि जिनके वोट पे नेता बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, आज उनके बीच में आने में क्या तकलीफ हो रही है, क्यों उनकी लड़ाई लड़ने के लिए 3 दिन से नहीं आए या फिर ये लोग इनके लिए वोटर दिए। तो जनता समझिए मुख्यमंत्री सबके घर जाते हैं ना, क्या वाल्मीकि समाज के लोगों से उनको ऐसे बदबू आती जैसे योगी जी को आती है, सामने देते हैं। मुख्यमंत्री को आना चाहिए और यहाँ न्याय दिलाने के लिए अपनी तरफ से क्या घोषणा करते हैं ये बताना चाहिए। मैं जब तक रहूंगा जब तक मेरी जो मैं अपना ख्याल नहीं करता हूँ पूरा नहीं होगा, फिर आप लीगल में कोर्ट में सब चीजों को देखूंगा। मैं तो अभी दिल्ली में हूँ इसलिए आया हूँ कि अपने परिवार को न्याय दिलाऊं। आज मैं उत्तर प्रदेश पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ, आज मैं यहाँ न्याय दिलाने का राजनीति मेरे लिए यही है कि हमारे परिवार के लोग अगर पीड़ित हैं तो उनकी मदद की जाए, सिर्फ यही कि आज उस बच्ची को न्याय मिले और अपराधियों को सजा मिले, ये कार्रवाई आगे बढ़ी जाए। नहीं नहीं ये निकम्मी सरकार है, कानून व्यवस्था अगर कानून व्यवस्था होती तो देश को राजधानी बच्चों के साथ नहीं हो रहा है। तो आप समझिए कि देश का हाल, देश के अंदर जो गांव दिया जाए वहां क्या क्या नुकसान होंगे, वो ये हटेंगे तो मैं समझता हूँ कि और चंद मुझे लगता है 10 फीट और ये दिल्ली की हाईटेक पुलिस इसका ये हाल है कि वो माँ ने बताया कि उसको पीटा गया जब उठाने गई तो पीड़ितों को पीटने वाले के लिए पीट के बाद बैठे लोग अपराधियों को सपोर्ट कर रहे हैं, इस वजह से ये अन्याय बढ़ रहा है। अगर इन पर ठोस कार्रवाई होती तो मुझे लगता है कि आज ये बेटी को हमें ये हमारे बीच से ना जाते। देखिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलना चाहिए और उसकी ठोस जांच होनी चाहिए क्योंकि जिस तरह से ये हुआ इसमें क्या क्या सब को जला देंगे, कैसे क्या प्रूफ करेंगे, यानी कि अपराधी चाहते हैं तो इसकी तो पीड़ित नहीं बना चाहिए और परिवार संतुष्ट होगा जो संबंधित आरोपी जो है उनको सख्त कार्रवाई हो, वो लोग जेल में रहे और उनको सजा मिले। मेरी मांग है कि उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। क्या कह रहे थे वो कह रहे लगे यहीं पे नहीं, वो यही कह रहे हैं यही रहने जाना बात करने के उत्तर प्रदेश तो क्राइम कैपिटल है वहां का तो मैं समझ लेकिन दिल्ली में और देखो अपराध से लोग सीख लेते हैं ना, वहां अपराध किया गया फिर लाश को जला दिया गया, इन अपराधियों ने उसी प्रक्रिया को दोबारा दोहराया कि बच्ची को या शव को जला दिया गया। ये अगर दिल्ली में हो रहा है तो समझे गांव देहात में दलित क्या नहीं सकता। और फिर मुझे मैनुअल जी का है ये बताया जा रहा है कि बच्ची की मां को उसके पिता अगर अपराधियों को मिठाई खिलाई जाएगी और पीड़ितों को पीटा जाएगा तो न्याय कैसे संभव होगा। किसी जाति धर्म की बेटी ये बताइए कि बहन बेटियां ये उत्पीड़न न्याय तो मुझ पर है, क्या वो उनके लिए सुरक्षा का माहौल है दिल्ली में? बड़ी बड़ी बातें हो रही है दिल्ली में मंच पे, यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ कहाँ सुरक्षित है हमारी बहन बेटियां? मैं न्याय चाहता हूँ, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चले और जांच हो कि और कौन कौन लोग शामिल है और जिन अधिकारी कर्मचारियों ने परिवार के साथ उत्पीड़न किया, उनको परेशान किया, उन पर भी कार्रवाई हो।
मैं किसी भी कीमत पे ये समझता हूँ कि ये अन्याय हम लोग सहने के लिए नहीं है। अभी हाथरस के जख्म हरे हैं हमारे, वो परिवार अभी भी न्याय के लिए, वो कोर्ट जाता हमला हो जाता, तो यहाँ तो ये दिल्ली में हो रहा है। जब हम दिल्ली में सेफ नहीं है तो हम किसी की सरकार में सेफ नहीं, हम न्याय चाहते हैं। यहाँ पे जॉइंट कमिश्नर आए थे थोड़ी देर पहले, कह रहे थे कि सारे मुकदमे दायर कर दिए गए हैं 302 376 सब में। अभी आपकी अब आगे का जो मूविंग फॉरवर्ड है वो आप क्या चाहते हैं? देखिए पुलिस कहती कुछ है, गंभीर कुछ है। मैं तो पहले अपने सामने देखूंगा FIR कॉपी, कौन कौन से ऑफेंस लगाए और कितने लोग गिरफ्तार हुए और क्या कार्रवाई की गई है और पीड़ित परिवार के लिए सुरक्षा क्या व्यवस्था की गई है, वो न्याय के लिए आवाज आगे बढ़ाते रहे, उनकी क्या उनकी व्यवस्था क्या ध्यान रखा है, मैं सब चीजों पर बात करूंगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री चंद कदम की दूरी पर रहते हैं, क्या उनको समय नहीं लगा बच्चों के बीच में, पीड़ित परिवार के बीच में आने का? और ये दिल्ली है, प्रधानमंत्री रहते हैं, गृहमंत्री रहते हैं, सारे सांसद रहते हैं, केंद्रीय मंत्री रहते हैं, यहाँ अगर अन्याय अत्याचार, यहाँ लोगों की भावना ऐसी है तो कहाँ दलित कहाँ जाए देश के अंदर, कहाँ जाके छिपे, कहाँ छिपे अपनी बहन बेटियों को, या यहाँ मरे ये जून जाति सहे, ये न्याय किस लिए? क्या हम इंसान नहीं है? क्या हमें जीने का अधिकार नहीं? क्या हमारी बहन बेटियों को सम्मान से जीने का अधिकार नहीं है? इस उत्पीड़न के शिकार हम ही क्यों? हम इस गुलामी से आजादी चाहते हैं और न्याय चाहते हैं, न्याय। सरकार कान खोल के सुने, हम न्याय चाहते हैं। एक मानसिकता की भी बात है, आखिरी चीज जानना चाहता हूँ, मानसिकता भी होती है क्राइम हुआ उसके बाद। अरे वो कह रही है बैठ जाओ तो बैठ जाओ यार, समझ में नहीं आ रही क्या? अगर मानसिकता नहीं बदली गई तो आगे बैठा नहीं, बिल्कुल होगा, क्योंकि अपराधियों पर कार्रवाई नहीं होगी, अपराधियों पर कार्रवाई नहीं होगी तो अपराध बढ़ेगा, कम नहीं होगा। और अपराध अगर बढ़ेगा तो किसकी बहन बेटी उसकी जद में है किसी को नहीं पता। मैं तो सभी बहन बेटी सुरक्षा की मांग करता हूँ। मैं ये भी समझता हूँ कि इस अपराध को जो ताकत सत्ता का संरक्षण मिल रहा है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये जिन जाति का शिकार है ना किसी बहन बेटी, इसीलिए मुझे तकलीफ है और मैं लगातार पूछते रहता हूँ कि क्यों ऐसे कानून बनकर ठोस कार्रवाई नहीं होती। किसी बहन बेटी की तरफ आप काम करें वो लोग अपराधी 1000 बार, हम निर्भया हम ये देख चुके हैं ना, आज कल भी मार्च क्यों नहीं हो रहा है? महिला आयोग कहाँ है? दिल्ली में महिला आयोग है तो वो बच्चों के लिए न्याय के लिए क्यों नहीं लड़ रही है? और अगर वो लड़ रही है तो उसका धन्यवाद, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। अपराध को पे रोक लगनी चाहिए, ऐसी रोक कि दोबारा ऐसे पुरानी नादों से। सुरेश मोकरिया तिलक नगर विधानसभा। जी जी, आप इधर बैठे हुए हैं यार, बुढ़िया के हत्यारों को बुढ़िया के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो 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 बुढ़िया हम शर्मिंदा है, तेरे का दिल जिंदा है, बुढ़िया हम शर्मिंदा है, तेरे का दिल जिंदा है, बुढ़िया हम शर्मिंदा है, तेरे का दिल जिंदा है। प्रधानमंत्री आने थे, गृहमंत्री आने, दिल्ली के मुख्यमंत्री आने थे, कौन 25 सीट है? किसी जाति धर्म की 25 सीट है? अगर ये होने लग गया है तो उन परिवार में सुरक्षा कैसे होगी? तो मैं अभी चाहता हूँ फास्ट ट्रेट मुकदमा चले। मैं ज्वाइंट कमिश्नर यहाँ है, मैंने उनको बुलाया, मैं उनसे बात करूंगा, पूछूंगा कि किन ऑफेंस में उन्होंने मुकदमा दर्ज किया है, और अगर उन्होंने सही ऑफेंस नहीं लगाए तो उनको लगवाएंगे, और जो ऑफेंस लग गए उनके अनुरूप हमारी लीगल की टीम यहाँ सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, दिल्ली जो कोर्ट है उसमें सारे मामले को हमारी टीम लड़ेगी अपने खर्चे पे। हम अब किस परिवार के साथ खड़े हैं, क्योंकि मैं इसको कमजोर नहीं पड़ेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री बताएं कि जिनके वोट पे नेता बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, आज उनके बीच में आने में क्या तकलीफ हो रही है? क्यों उनकी लड़ाई लड़ने के लिए 3 दिन से नहीं आए? या फिर ये लोग इनके लिए वोटर ही हैं? तो जनता समझिए, मुख्यमंत्री सबके घर जाते हैं ना, क्या वाल्मीकि समाज के लोगों से उनको ऐसे बदबू आती जैसे योगी जी को आती है? सामने देते मुख्यमंत्री को आना चाहिए और यहाँ न्याय दिलाने के लिए अपनी तरफ से क्या घोषणा करते हैं ये बताना चाहिए। मैं जब तक रहूंगा, जब तक मेरी जो मैं अपना संज्ञान लेके तो पूरा नहीं होगा, फिर आप लीगल में कोर्ट में सब चीजों को देखते हैं। मैं तो अभी दिल्ली में हूँ, इसलिए आया हूँ कि अपने परिवार को न्याय दिलाऊं। आज मैं उत्तर प्रदेश पे चर्चा नहीं कर रहा हूँ, आज मैं यहाँ न्याय दिलाने के लिए, राजनीति मेरे लिए यही है कि हमारे परिवार के लोग अगर पीड़ित हैं तो उनकी मदद की जाए, सिर्फ यही कि आज उस बच्ची को न्याय मिले और अपराधियों को सजा मिले, ये कार्रवाई आगे बढ़ी जाए।